दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम जब भी हम सुनते हैं, जब भी उनका चेहरा हमारे जहन में आता है, उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी सादगी और महानता के बारे में जानकर आंखें नम हो जाती है कि कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है। आज मैं आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे जानकर, जिससे प्रेरणा लेकर आप भी अपने जीवन को सही मायने में सफल और सार्थक बना सकते हैं। एक बार जब अब्दुल कलाम इसरो के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो एक दिन कलाम के चैम्बर में एक वैज्ञानिक ने आकर उनसे अनुरोध किया कि क्या वह आज शाम 5 बजे काम खत्म करके घर जा सकता है, क्योंकि उसने अपने बच्चों को आज प्रदर्शनी ले जाने का वादा किया है। कलाम ने उसे अनुमति दे दी। वह वैज्ञानिक खुशी खुशी फिर काम पर लग गया। उसके बाद वह वैज्ञानिक काम में इतना लीन हो गया कि उसे अपने बच्चों से किए वादों का भी ख्याल नहीं रहा। उसे इस बात की सुध तब लगी जब उसने अपनी घड़ी देखी, जिसमें 8:30 बज चुके थे। यह देखकर वह जल्दी जल्दी डॉक्टर कलाम के चैम्बर में पहुंचा, परंतु वे वहां नहीं थे तो उसे बहुत निराशा हुई। उसे अपने बच्चों से किए वादे न पूरा करने का दुख था। वह उदास मन से अपने घर लौट आया। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं। पत्नी ने जवाब देते हुए कहा कि तुम नहीं जानते, डॉक्टर अब्दुल कलाम घर आए थे और बच्चों को प्रदर्शनी दिखाने अपने साथ ले गए। दरअसल जब डॉक्टर कलाम ने देखा कि वह वैज्ञानिक मग्न होकर अपने काम में लगे हुए है, तो उन्होंने उसका ध्यान भटकाना उचित नहीं समझा। लेकिन जब किसी ने अपने बच्चों से वादा किया है तो वे उसे जरूर प्रदर्शनी दिखाने जाएंगे। इसीलिए कलाम ने बच्चों को घुमाने का काम स्वयं करने का फैसला किया और उन्हें प्रदर्शनी दिखाने ले गए। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर उस वैज्ञानिक की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसके दिल में अब्दुल कलाम के प्रति जो आदर, जो रिस्पेक्ट, जो सम्मान था, वो कई गुना बढ़ गया। उसने मन ही मन कलाम को धन्यवाद दिया। दोस्तों, अब्दुल कलाम के जीवन से जुड़ा एक और वाक्या मैं आपको बताता हूँ। यह बात तब की है जब उन्हें वाराणसी में BHU के दीक्षांत समारोह में बुलाया गया था। उन्होंने देखा कि स्टेज पर कई सारी कुर्सियां लगी हुई है, जिसमें बीच वाली कुर्सी बड़ी और उन सबसे ऊंची भी थी, जिस पर उन्हें बैठने को कहा गया। परंतु कलाम साहब ने उस पर बैठने से मना कर दिया और कहा कि मैं भी आप लोगों के बराबर का ही व्यक्ति हूँ, अगर सम्मान करना है तो इस पर कुलपति जी को बैठाइए। फिर ऊंची वाली कुर्सी स्टेज पर से हटा दी जाती है, जिसके बाद अब्दुल कलाम सबके समान वाली कुर्सी पर ही बैठते हैं। दोस्तों, अब्दुल कलाम अपने जीवन में खुद को कभी बड़ा व्यक्ति नहीं मानते थे। वे अपने आप को सबके बराबर एक समान समझते थे और अपनी इसी समानता के भाव के चलते अब्दुल कलाम साहब कुरान और गीता दोनों का अध्ययन करते थे। उनके नज़र में कोई भी ग्रंथ छोटा या बड़ा नहीं था, बस ज्ञान जहां से भी मिले ले लेनी चाहिए, यही उनकी सोच थी। दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम त्रिवेंद्रम की अपनी पहली यात्रा के दौरान वे केरल के राजभवन में ठहरे थे और उन्हें राष्ट्रपति के मेहमान के रूप में किन्हीं दो लोगों को बुलाने का अधिकार था। तब राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने अपने दो करीबी लोगों को मेहमान के रूप में बुलाया। पहला था सड़क के किनारे बैठने वाला मोची और दूसरा एक छोटे से होटल का मालिक। दोस्तों, अब्दुल कलाम का संपूर्ण जीवन इंस्पिरेशन की वो पावर हाउस है जिससे कोई भी व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। अपने अंडर काम करने वाले वैज्ञानिक के बच्चों को प्रदर्शनी दिखाने की बात हो, या दीक्षांत समारोह में एक समान कुर्सी पर बैठने की बात हो, या फिर राष्ट्रपति मेहमान के रूप में सड़क के किनारे बैठने वाले मोची और छोटे से होटल के ऑनर को बुलाने की बात हो, इन सब से ये बात साफ झलकती है कि अब्दुल कलाम किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझते थे और यही बात उनको और महान बनाती है। छात्र हों, युवा हों या कोई और, हम सभी को अब्दुल कलाम से सीख लेते हुए किसी को भी अपने से छोटा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान में इतनी क्षमता होती है कि वह अपनी स्थिति, अपने हालात को बदल सकता है। आज जिसे आप अपने से छोटा और कमजोर समझने की भूल करते हैं, कल को वह अपनी मेहनत, अपने कर्म और अपने परिश्रम से कहाँ पहुंच जाएगा कोई नहीं जानता।